यहाँ पर कल बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जो यहाँ पूरे इंडिया की टीमें आने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत थी, एक था राहुल और धोनी, खास करके इन दोनों की काफी जरूरत थी इस फील्ड में। दो ही लोग यहाँ से ऐसे थे जो पूरा मैच संभाल लेते थे। नमस्कार, प्रणाम, पहला गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह के नए दिन के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही दिन के 10 बजे से, और आज मैं हूं घर के अंदर, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि मौसम 4-5 दिन के बाद आज फिर से करवट बदल चुका है और बिल्कुल कोहरा और शीतलहर चल रही है। तो दोस्तों अभी मुझे 3-4 घंटा हो चुका है अंदर बैठे बैठे, और हम अंदर कम ठंड लग रहे, बाहर तो बहुत ज्यादा हवाएं चल रही, बिल्कुल विकट मौसम हो रहा है। तो अब बाहर निकलने का टाइम आ गया क्योंकि अंदर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं बाहर और बाहर के ठंडे मौसम का मजा लेते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो बाहर निकलने से पहले अपनी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो हमने पूरा चेहरा अपना कवर कर लिया है, कान वान कवर कर लिया। अब चलते हैं बाहर। बाहर का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल कोहरा कोहरा, धुंधला धुंधला, शीतलहर चल रही है और लोगों का काम चल रहा है गोबर फाई का। हमें तो ऐसी ठंडा हो रहा है, लोग ऐसी गर्मी पैदा कर रहे हैं काम काम कर करके। अगर आप बैठे रहोगे तो ठंड लगेगी, अगर बैठे नहीं रहोगे काम करोगे अपना अपना तो कोई ठंड नहीं लगेगी। देखो यहाँ गोबर भर रहे हैं, इनको कोई ठंडा नहीं हो रहा, और हमें ऐसी शीतलहर चल रही है बिल्कुल भयंकर वाली। बलवंत सिंह नेगी देखो यहाँ पर गोबर फेंक रहे हैं बिल्कुल मजे से, वहाँ छुप के देख रहा है क्या कर रहा है। और असित का आज व्रत है, जय श्री राम। हमारे वहाँ का गन्ना सेंटर है जो हमेशा गन्नों से फुल रहता है। नई दुकान में निकलेगी भाई, पर चल रही लाइट कटाई, वहाँ का पेट्रोल पंप है। हेलो भाई। तो यहाँ पर जो है हमारे सारी गांव की लेडीज ही काम करती हैं, अभी सबसे मिलाते हैं आपको। अंदर बैठे हैं यहाँ मेन अकाउंटेंट है। हेलो, नमस्कार नमस्कार, ये पंप के मैनेजर साहब और यहाँ हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो कैसा लगा आपको जॉब करके इधर? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिपेंडेंट हो गए, इतनी लेडीज से काम करती है। देखो यहाँ सारी लेडीज हैं, वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू चौहान है। मंजू चौहान। और आपका? रजनी बिष्ट। और आपका? मेरा नाम नीमा पांडा। आपका सर? विजय सहगलजी। तो ये हमारे शांतिपुरी में नया पंप खुला है, हालांकि दो ढाई साल हो गए, लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडीज काम करती हैं, सारी लेडीज़ ने, स्टाफ पूरा लेडीज से भरा हुआ। तो हाँ जी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो आपको यहाँ जॉब करने की कैसा सुझाव है बताइए? अरे भैया यहाँ पे काम खुला था तो हमने जॉब करने अप्लाई किया तो लग गई हमारी नौकरी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यार। बहुत अच्छा लग रहा काम करके। हाँ। सैलरी टाइम से मिल रही है ना? सैलरी बहुत टाइम से मिल जाती है, लास्ट दिन मिल जाती है। लास्ट दिन? चलो ठीक है। आप कहाँ से हैं? घर कहाँ है आपका? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से यहाँ ही है? देखो कहाँ? बागेश्वर। अच्छा, वाह, आपका तो बिंदु कत्ता है। बिंदु कत्ता, शांतिपुरी, ये लोकल। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा आएंगे किसी दिन नेक्स्ट। बाय। तो गाइस देखो रोड में हो रहा है हाईवे का स्टंट, यहाँ पर पॉपलर भरे जा रहे हैं खेतों से, ये देखिए ट्रॉली में, यहाँ पर फायदा कर रहा है अनलोडिंग मिट्टी को, इससे पूरी रोड गंदी हो रही है। ये देखो पूरा मिट्टी गिरा दी है, अब ये धूल उड़ेगी, जब ये सूखेगा ना तो उड़ उड़ के हमारे मुंह पर आएगी। ऐसे तो रोड बन रही है यार। तो गाइस फील्ड सज चुका है, लाइटें लग चुकी हैं, वोटर लग चुके हैं, पैनल लग चुके हैं, वॉलीबॉल होने वाला है, भारी भरकम टीमें आने वाली, पूरी इंडिया की टीमें आने वाली यहाँ पे। बहुत बड़ा मैच होने वाला है, जो यहाँ पूरे इंडिया की टीमें आने वाली यहाँ पे। और देखिए मैदान कितना फर्स्ट क्लास बन चुका है, इतनी पोलेंड आउटलाइन होगी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल लिपाई पाई करिए, ग्राउंड की दिखाता हूँ जूम करके आपको। ये देखिए कितना बेहतरीन ग्राउंड बनाया है, और ये लाइट के चार पोल इस साइड, और ये एक खिलाड़ी यहाँ पर, एक टीम का कैप्टन यहाँ पर हर्षित चतुर्वेदी जो है, यहाँ पे जो है फोन में वार्ता चल रही है, काफी गंभीर खिलाड़ी को बुलाया जा रहा है अपनी टीम के, बाहर से बुलाया जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो फील्ड का मुआयना कर रहे हैं यहाँ पे, फीता इता लेके कहाँ पे कितना कैसे ट्रैक बनेगा, कैसे फील्ड बनेगा। कुर्सियाँ आ चुकी, टेंट आ चुका है, तो टेंट के लिए जगह बन चुकी, खिलाड़ियों के दर्शकों के लिए साइड में जो है टेंट लग रहा है अभी,
पूरी चारों ओर और बैनर लग चुके हैं, झंडे गड़ चुके हैं। भाई लोगों ज़्यादा भारी मात्रा में कल सुबह 10 बजे से यहाँ पे मैच स्टार्ट है, तो आने की कृपा करें और हमारे शांतिपुरी का ये जो एक छोटा सा अभियान है स्पोर्ट्स को लेके, वो यहाँ देखिए पूरे रेते का स्टॉक का ढेर लगा हुआ है। भाई इसी के लिए हम यहाँ आए थे, करोड़ का बैंक का चेक आया है, करोड़ का चेक इस बैंक में लगा दिया हमने। भीड़ देखिए बिल्कुल जगह जग सच, दो ही लोग यहाँ से ऐसे थे जो पूरा मैच संभाल लेते थे और एक कमेंटेटर भी था हमारा, और हो सकता है उनको हम लाइव मैच दिखा सकें यहाँ से। जैसे पूरा स्टेडियम बनता है वैसा ही बनाया जा रहा है, और पूरे शांतिपुरी उत्तराखंड में पहली बार ऐसा मैच हो रहा है। लाइटें देखो, ऐसी लाइटों का फोकस सिर्फ फील्ड के ऊपर कर दिया गया है, चार पोल इस साइड चार पोल इस साइड। तो चलो दोस्तों अभी हम फिलहाल भात खाने जाते हैं घर। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, तो आप दो दिन के लिए आप मेरे साथ व्यस्त होने वाले हैं, इस मोबाइल को छोड़ना मत। दो दिन बिल्कुल भारी मात्रा में जिसको कहते हैं असला बारूद आने वाला है, अपना वॉलीबॉल का असला बारूद होने वाला है। बिल्कुल धमाकेदार एंट्री होने वाली है, धमाकेदार मैच होने वाले हैं, बहुत से टीमें आ रही हैं पूरी इंडिया से। दो दिन का मैच है, दो दिन टुडे लगातार दो दिन दिवसीय मैच होगा और लगातार नॉकआउट भी होंगे, फाइनल सेमीफाइनल सब कुछ होगा। 7 और 8 तारीख को भारी मात्रा में लोग वहां पर आएंगे दर्शक, यानी कि कल सुबह से मैच है 10 बजे से, और बड़े स्तर से इस बार पहली बार शांतिपुरी में इतने बड़े स्तर से मैच कराया जा रहा है। आप जरूर आना सभी लोग, जो लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से बाहर से जो मैच देख रहे हैं, जो गांव से बाहर हैं लड़के, उनको भी आप मेरे ब्लॉग आने का इंतजार कीजिए, तुरंत ब्लॉग आएगा, तुरंत आप मैच देखना, बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। तो गाइस देखिए पहाड़ और भाबर में क्या अंतर रहता है गोबर डालने का। पहाड़ों में डोके में पीठ पर रख के गोबर खेतों में ले जाते हैं, और यहाँ भाबर में ट्रॉली में भर के अनलोड करेंगे, अपने अपने खेत में अनलोड करेंगे, तो आपस में उल्टा पलटा करके ये काम हो रहा है। गाइस दिन के 3:30 बजे सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके हैं, सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तो ऐसा कुछ नजारा है हमारे घर के बाहर का। गेहूं के हरे भरे खेत दहलाते हुए, धूप निकल गई है मस्त वाली। आज फिर से हम मैदान में हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड में, मैं हूं एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं, अभी पारस बॉलिंग करा रहे हैं मनोज को। ओ ये ऑफ में निकाला, कट, अच्छी रनिंग, अरे बॉल तो लाओ, नेक्स्ट बॉल वाइड, ओवर। तो फील्डिंग ऐसी सजी हुई चारों ओर, और बॉलिंग में मिश्रा जी आप, और मार दिया शॉट 4 रन के लिए, नहीं गया, थोड़ा उबड़ खाबड़ होने के कारण 4 रन के रुक गया है। यहाँ पे पिच जो है बिल्कुल रेतीली है, आप देख सकते हैं गोवा की जैसी पिच है, जैसे गोवा का बीच होता है, और बीच में हम टहलने आए, नदी भी है सामने। ये विकेट हो गया है, मिश्रा जी ने एक विकेट ले लिया, और अब आए हमारे आर्मी के, ओ शॉट है, ये 6 ही जाएगा, 6 रन सीधे स्ट्रेट छक्का मारा है, वाइड बॉल, ओ बच गया बड़ी बगल से, छक्का गया भाई। तो गाइस अब क्रिकेट के मैदान से मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और अभी हम जा रहे हैं रात के लिए लकड़ी लेने यहाँ पे अपने गोदाम में, जहाँ पे हमने लकड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। लक्ष्य थे मेरे साथ, और चेरी भी आ गई देखो ये, तो अभी हम लोग लकड़ी लेके जाएंगे घर, बॉन फायर करेंगे, और आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी। मैं आ गया हूँ यहाँ पर गोदाम में, देखिए यहाँ से हम छोटे 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 से लकड़ी लेके जाएंगे और अपने घर में बॉन फायर करेंगे। तो दोस्तों अब इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।